हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज की चर्चा थोड़ी सी अलग तरीके से करेंगे। अलग तरीके से मैं जो है एक सवाल के साथ शुरुआत करूंगा आज। आज मैं जवाब नहीं दे रहा, मैं आज सवाल कर रहा हूँ आपसे। आपने अगर कोई शेयर खरीदा हुआ है और वो आपने 5-7 साल रखा हुआ है और आपने उसके सारे अप्स एंड डाउन्स देखे और आप उसको बेचते हैं और करीबन करीबन 4 या 5 गुना कीमत पे, और आपके पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा होता है और उसका करीबन आधा हिस्सा अगर आप बेचते हैं तो आपको कैसा लगेगा? तो कभी कभी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, लेकिन कभी कभी शेयर्स के साथ ऐसे इमोशंस जुड़ जाते हैं कि उसको बेचने के बाद भी है ना आपका मन उदास रहता है, और उसके बाद दिन में वो 5-7 रुपये और नीचे मिल जाए, करीबन 3-4% या 5% के आसपास वो आपको दोबारा नीचे भी मिल रहा हो, यानी कि इंट्राडे आप उसको कवर भी कर सकते हो, तो आप क्या करेंगे? शायद आप उसको कवर कर लेंगे क्योंकि एक अच्छा खासा अमाउंट बन सकता है। बट इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल्स ये कहते हैं कि अगर आपने कोई चीज़ इन्वेस्टमेंट के लिए उसको सेल कर दिया तो उसे इमोशनली टच मत होइए, लेकिन इंसान है, कभी कभी हम इमोशनली टच हो जाते हैं और उस कंपनी के बारे में भी बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, और अपनी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी, और जब हम बातचीत करते हैं या अपने बिजनेस को करते हैं या अपने प्रोफेशन को करते हैं, और उस समय पर भी उसकी चर्चा जो है आप गाए बगाए करते हैं, और फिर उसको आप एक दिन जो है एक अच्छा खासा प्रॉफिट लेके छोड़ देते हो और उसका एक हिस्सा आप बनाए रखते हो, तो उसको बेचने के बाद भी, अच्छे प्रॉफिट लेने के बाद भी कभी कभी मन जो है विचलित रहता है। तो ये एक इन्वेस्टर के साथ हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, तो इसलिए आज मैं चर्चा में किसी शेयर को नहीं ले रहा हूँ। मोमेंटम स्टॉक थे आज कुछ, लेकिन मैं उनको ले नहीं रहा हूँ। जैसे मोमेंटम स्टॉक में मैं भी जो है ट्रैक कर रहा था, तो कुछ शेयर्स थे जिनको अभी मैं देख रहा था जिनमें अच्छा मोमेंटम था। एग्रोस्पेस के अंदर एक धानुका एग्रीटेक है, उसको देख रहा था। एक गुडलक स्टील है जो हालांकि गाजियाबाद बेस्ड जो है कंपनी है, लेकिन उसका मेन अब बिजनेस जो है गुजरात में है, तो स्टील लाइमलाइट में है। हालांकि उस कंपनी के बारे में सोच रहा था आपसे बात करूं, लेकिन उसकी मार्केट कैप बहुत छोटी थी। फिर उसके प्रमोटर्स का जो है लिंक भी जो है हमारे साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी बिजनेस में है, तो इसलिए भी मैंने उसको जो है डिसाइड किया कि नहीं, उसको भी जो है डिस्कस नहीं करते। और फिर एक तीसरा शेयर था, मेरा पोर्टफोलियो शेयर भी है, हालांकि अब इतना बड़ा हिस्सा नहीं है, नोसिल। बहुत समय तक जो है मैंने आपके साथ उसके बारे में चर्चा की, लेकिन अब वैल्यूएशंस उसमें भी ऊपर की तरफ आ गए हैं, तो इसलिए जो है तीनों शेयर्स मैंने देखे तो सही थे, लेकिन मैंने किसी भी शेयर्स पर अभी किसी भी तरीके का फंडामेंटल राय मैं भी आपको नहीं दे रहा हूँ। हालांकि मैंने आपको ये बता दिया कि जिन तीन शेयर्स को मैंने आज आपके लिए देखा था, लेकिन तीनों में से किसी एक को भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो ये तो तीन शेयर्स थे, और कहानी वहीं से शुरू करते हैं, निफ्टी से। निफ्टी 14,942, निफ्टी बढ़ तो रहा है लेकिन जोश नहीं आ रहा है। निफ्टी के अंदर तेजी तो आ रही है, वॉल्यूम नहीं आ रहा है। मतलब आप ये समझिएगा कि ऐसा लग रहा है कि जैसे जबरदस्ती ना बाजार को चढ़ाया जा रहा है। पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि कई फ्यूचर की पोजीशन अपनी बनाने के लिए बाजार को ऊपर चढ़ा रहे हैं। बाजार में कुछ चुनिंदा शेयर चल रहे हैं लेकिन वॉल्यूम के साथ नहीं चल रहे। एल्गो ट्रेड सेट कर रखे हैं, इंडेक्स को पूरी तरीके से मैनेज किया जा रहा है, दिन भर ट्रेड में कुछ कुछ ऐसा ही लगता है। और ऐसा लगता है कि जो ऑप्शंस के जो ट्रेडर्स हैं उनके सारे के सारे प्रीमियम जनरली ऑप्शन बायर्स के ख़त्म होते जा रहे हैं, स्पेशली बैंक निफ्टी के अंदर एक दायरे के अंदर चल रहा है। और जो बैंक निफ्टी के प्रीमियम्स हैं ऑप्शंस के अंदर जो लोग ट्रेड करते हैं, तो जो ऑप्शंस के बायर्स होंगे वो समझ रहे होंगे कि पिछले हफ्ते किस तरीके से परेशानी उनको रही, ऑप्शंस के प्रीमियम गायब हो गए, इस बार फिर सिमिलर सिचुएशन जो है बनी हुई है। मार्केट एक रेंज में चलते हैं, और आप देखिएगा निफ्टी आज का पूरी रेंज देखिएगा आप, देखो आपको इससे पता चलेगा वोलेटिलिटी का। 4892, 4892 ये आपको रेंज, आप 2-3 दिन से देखेंगे ऐसे ही आपको नजर आएगा। 4892, 14966, अब ये पूरा पॉइंट अगर आप देखेंगे तो ये 74 पॉइंट्स के दायरे में पूरे दिन बाजार चलता रहा। इसका मतलब ऑप्शंस के प्रीमियम
गायब होते हुए नजर आए। ये 74 पॉइंट्स की ऊपर और नीचे की जो है मूवमेंट थी। ये ऑप्शंस निफ्टी में भी सेम ट्रेड्स है। अब देखिएगा इसकी चार्ट, देखिएगा 1 2 3 4, चारों कैंडल है, गैप के साथ है, गैप के साथ ओपनिंग है, क्लोजिंग भी ऊपर की तरफ है, लेकिन आप कैंडल का साइज देखिएगा कितना है। यानी कि ये कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ ऐसा होने वाला है जिसका अंदाज़ा शायद हम नहीं लगा पा रहे। किसी भी साइड हो, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, वॉल्यूम बिल्कुल घट गए हैं। नीचे से थोड़ी बाइंग आ जाती है, ऊपर जाता है बाजार, सेलिंग आ जाती है, डायरेक्शन कोई है नहीं। कंपनीज के रिजल्ट के हिसाब से पता नहीं चल रहा, कोविड के केसेस रोज आ रहे हैं, इस कोविड के केसेस पे कैसे बाजार रिएक्ट करेगा, बाजार क्या करना चाह रहा है बता नहीं रहा है अभी। L&T HDFC लिमिटेड के परसों अच्छे रिजल्ट थे, ICICI बैंक, IOC और टाटा मोटर्स, ये बाजार के अंदर तेज थे। इन्फोसिस, रिलायंस, श्री सीमेंट, ब्रिटानिया और अल्ट्राटेक, ये मंदी की तरफ थे। एडवांस डिक्लाइन काफ़ी अच्छी है, स्मॉल मिड कैप में कुछ शेयर्स तो बड़े तेजी के साथ जो है काम कर रहे हैं, लेकिन अभी बाजार में जो कॉन्फिडेंस है ना वो नहीं आ रहा है कि कुछ शेयर्स जो है ना फंडामेंटल से बिल्कुल अलग जो है चल रहे हैं। फिर एक साइकिल के अंदर एक शेयर जा रहे हैं, दूसरे जो है वो नीचे की तरफ आ रहे हैं। हालांकि धीरे धीरे करके ऐसा लग रहा है कि बड़े प्लेयर्स कुछ बड़ा करना चाहते हैं, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। पर बाजार के अंदर जो पोज है वो आपको बैंक निफ्टी से भी नजर आएगा। FIs के भी जो डेटा है वो क्लियर नहीं हो रहे हैं। कभी देखिएगा 3 तारीख को, 4 तारीख को, 5 तारीख को इतनी बड़ी सेल करते हैं, 6 तारीख को फिर बाइंग हो जाती है, 7 को फिर सेल हो जाती है, आज फिर बाइंग होती है। तो उधर FIs जो है बाय कर रहे हैं, DI सेल कर रहे हैं, जिस दिन FIs बाय कर रहे हैं DI सेल कर रहे हैं, जिस दिन FIs सेल कर रहे हैं उस दिन DIs बाय कर रहे हैं, राइट। तो आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे बाजार में कहीं मैच फिक्सिंग सी कर रखी है, कि बाजार के अंदर जैसे मैच फिक्सिंग होती है कि भाई तू थोड़ा तू कर ले, थोड़ा मैं कर लूँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे DIs और FIs जो है आपस में मिल रखे हैं और कोई गेम उन्होंने सेट कर रखा है, इसी गेम पे जो है बाजार को छोड़ना है। FFIs की देखिएगा, इंडेक्स के फ्यूचर्स जो है लॉन्ग किए परसों, शॉर्ट किए थे, और सॉरी परसों जो है लॉन्ग किए थे, आज शॉर्ट कर दिए। इंडेक्स ऑप्शन से ज़्यादा आइडिया कुछ लगता नहीं है। स्टॉक फ्यूचर्स में हैवी सेलिंग की है, तो इस पूरे के पूरे महीने के अंदर आप देखेंगे सबसे बड़ी स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर सेलिंग आज नज़र आई है FIs की तरफ से। तो इंडिकेशन ये तो मंदी के दे रहा है, कैश की बाइंग तेजी की बात कर रही है। इंडेक्स के जो फ्यूचर्स हैं वो भी शॉर्ट्स हैं, तो वो जनरली हेजिंग के लिए शॉर्ट किए जाते हैं जब बाजार को ऊपर लेके जाए, तो लेकिन अभी डायरेक्शन लेस है बाजार। इंडेक्स के फ्रंट पे कहूँगा, अब अगर आप इंडेक्स में भी देखेंगे तो जो शेयर चल रहे हैं तो जनरली ऐसे शेयर चल रहे हैं जो बाजार के टॉप की तरफ का इशारा करते हैं। कभी कभी कोल इंडिया, UPL, हिंडालको, इंडियन ऑयल्स, टाटा मोटर्स, L&T, डॉक्टर रेड्डीज, टाटा स्टील, गेल, डिवीज, लेवसन फार्मा, NTPC, पावर ग्रिड, भारत पेट्रोलियम, ONGC, श्री सीमेंट के अंदर गिरावट थी, ब्रिटेनिया, अल्ट्राटेक, इन्फोसिस, हीरो मोटोकॉर्प, ग्रासिम। और देखिएगा कोविड की जो वेव चली है इससे अब बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेज जो हैं इस साल की जो GDP की ग्रोथ है उसको डाउनग्रेड जो है करना शुरू उन्होंने कर दिया है। और ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 2% तक का जो भी हमारा आकलन था, एस्टिमेशन था, उसमें 2% कम GDP हो सकती है, हमारी जो GDP की ग्रोथ है। ये देखिएगा बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी ओपन हुआ 33,175 पे, हाई लगा 33,297 का, 33,297, लो लगा 33,028, यानी कि 33,028 और 33,297, यानी कि 270 पॉइंट के करीब पूरे दिन बैंक निफ्टी घूमता रहा। तो ये भी वही इंडिकेट कर रहा है जो निफ्टी कर रहा है, यानी कि FIs और DIs ने मैच फिक्स कर रखा। कोई भी मतलब आप क्लियर डायरेक्शन नहीं बता सकते बाजार की, कि बाजार नीचे की तरफ जाएगा या ऊपर की तरफ जाएगा। हालांकि कैंडल्स रेड है लेकिन बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन ऊपर में एक सीमित दायरे के अंदर बाजार को जो है फिक्स कर दिया गया है। और ये चारों कैंडल जो है हालांकि ऊपर की तरफ जो है बाजार को क्लोज करती हुई नजर आई हैं। चार क्या ये 5 कैंडल्स हैं अगर आप पूरा देखेंगे, तो 5-6 कैंडल्स। तो इस पूरे के अंदर देखिएगा पूरे 6 दिन के अंदर 1,000 से 1,100 पॉइंट के आसपास जो है बैंक निफ्टी चला है ऊपर की तरफ। लेकिन पूरी चाल के अंदर एक खास बात ये थी कि ऊपर सेलर नहीं था और बायर धीरे धीरे छोटे छोटे अमाउंट में जो है खरीदता जा रहा था, सेलिंग भी छोटे छोटे अमाउंट में हो रही थी। यानी कि जो डेली वॉल्यूम्स हैं वो लगभग 50% है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं,
ये इंडिकेट ये कर रहे हैं कि कोविड की जो सिचुएशन है वो क्या रहती है। बाजार या तो ये इंतजार कर रहा है भाई हो आ जाए, जो कुछ भी है एक तरफ बाजार को लेके जाया जाए, या तो कोविड बहुत ही सीवियर हो जाए, इकोनॉमी पे क्या असर होता है, यानी कि ये हो सकता है कि बाजार फुल लॉकडाउन का इंतजार कर रहा है, या जो स्टेट वाइज लॉकडाउन चल रहे हैं उन पर रिएक्शन दे रहा है। ये तो देखिएगा आने वाला समय ही बताएगा। हालांकि आज डाउ जोन्स ने 35,000 का आंकड़ा जो है पार कर दिया, तो डाउ जोन्स अपने लाइफ टाइम हाई पर जो है ट्रेड कर रहा है आज, और S&P 500 भी जो है अपने लाइफ टाइम पे, डाउ जोन्स के अलावा जो है S&P 500 ने भी हाई लगाया। नेस्डेक हालांकि थोड़ा सा जो है माइनस में, करीबन 1% के आसपास माइनस में काम कर रहा था। अब बैंक निफ्टी के कुछ शेयर्स के बारे में बात करते हैं। बैंक निफ्टी के जो शेयर्स हैं उनमें से दो शेयर्स के बारे में चर्चा करूंगा जो मैंने हफ्ते के एंड में जो है जिनका एनालिसिस किया। तो IDFC फर्स्ट बैंक, ये IDFC फर्स्ट बैंक आज करीबन 2-2.25% के आसपास गिरावट के साथ बंद हुआ। पूरे मीडिया के अंदर इसके रिजल्ट की चर्चा थी और रिजल्ट की चर्चा हमने भी की अपने वीडियो में, तो सभी लोगों ने कहा कि नहीं जी IDFC फर्स्ट बैंक के बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है, मीडिया के अंदर भी बहुत अच्छी तारीफ इसकी की गई, लेकिन बाजार को पसंद नहीं आया। और मैंने भी जो बात कही थी वो अपने लॉजिक से जो बात बोली थी, मुझे लगता है कि बाजार ने भी शायद उसी तरफ ही जो है रास्ता किया, क्योंकि ऐसा भी नहीं था कि रिजल्ट से पहले इसने रन अप दिखाया हो पिछले 2-3 दिन में, तो ये यही था, इसके ऊपर था थोड़ा 57 के आसपास, 57-58। तो अल्टीमेटली बाजार ने भी जो है उसको थम्सअप नहीं किया रिजल्ट को, मुझे जो पर्सनली लगता है। और बंधन बैंक के बारे में ये चर्चा थी कि बहुत ही खराब रिजल्ट है, तो मैंने कल ये चर्चा भी की थी बंधन बैंक, मैंने कहा रिजल्ट खराब है, मैं डिफेंस तो नहीं करूंगा बस बंधन बैंक का कि जी बहुत, लेकिन IDFC फर्स्ट बैंक के जो रिजल्ट है वो जिस तरीके से दिखाया गया कि जी बहुत ही बढ़िया है, मैंने कहा जी बढ़िया नहीं है ये, आप विंडो ड्रेसिंग है उसमें, तो बड़ा बाजार के बड़े प्लेयर्स इस बात को समझते हैं। और बंधन बैंक को बहुत ख़राब बोला गया, मैंने कहा देखिएगा जी दोनों चीज़ों में एक चीज़ है कि रिजल्ट ख़राब है, उन्होंने ख़राब बताया, भाव भी तो ख़राब है। IDFC फर्स्ट बैंक के रिजल्ट ख़राब है लेकिन भाव अच्छा है, तो बाजार उस हिसाब से भी रिएक्ट करता है। तो ये मैं आपको ओनली फॉर द नॉलेज बता रहा हूँ, जिससे कि आप भविष्य में जब रिजल्ट को खुद भी एनालिसिस करें तो उसको समझे, उसके इम्पैक्ट को समझे। बाजार कभी कभी तुरंत इम्पैक्ट नहीं करता, थोड़े से समय में करेगा, क्योंकि बाजार आज पॉजिटिव नोट के साथ बंद हुआ है। अगर ये नेगेटिव नोट में होता, या अगर आप 2017-18 वाला, 18 या 19 वाला सीन होता जहाँ पर कि कोई भी खराब रिजल्ट आता और मार्केट तुरंत पनिश करता था 8-10%, तो वो समय नहीं है अभी। लेकिन फिर भी जो है आप कभी कभी खराब रिजल्ट पे ओवर रिएक्ट करते हो, तो खराब रिजल्ट है बाजार में शॉर्ट मार दो। तो मैंने कल बंधन बैंक में कहा था कि देखिएगा 250 रुपया तो खरीदने के भाव आ जाएंगे, 240-250, तो बाजार में वो पहले ही डिस्काउंट हो चुके थे। तो बहुत लोगों ने जिन्होंने शॉर्ट पोजीशन बनाई होगी बंधन बैंक में सुबह सुबह, वो सब फंस गए। वो इसलिए फंस गए क्योंकि रिजल्ट तो खराब थे लेकिन भाव भी खराब है ऑलरेडी। जहाँ पे तेजी थी कोटक महिंद्रा बैंक, देखिएगा कोटक महिंद्रा बैंक जो है आज कुल मिला के शाम होते होते थकता हुआ नज़र आया, ICICI बैंक भी थकता हुआ नज़र आया, SBI भी थकता हुआ नज़र आया। शाम को जोश भरा लास्ट के 15-20 मिनट के अंदर HDFC, दिन भर खामोश रहा लेकिन शाम को शेर की तरह दहाड़ता हुआ नज़र आया HDFC बैंक। और ये जो बैंक निफ्टी में रीबाउंड हुआ है वो शाम को HDFC बैंक चलने के बाद ही, फिर बाकी लोग बोले जी हमें भी चलना पड़ेगा। और इंडसइंड बैंक जो है आज ठीक ठाक काम कर रहा था, इसी प्राइस के आसपास जो है पूरे दिन भर काम किया जहाँ पे इंडसइंड बैंक काम कर रहा है, बट अभी एक डायरेक्शन लेस जो है ट्रेड है। लेकिन सबसे खास बात यह कि जो भी ऑप्शन के बायर्स हैं उनके प्रीमियम जो है ख़त्म हो गए, क्योंकि अगर आप इन द मनी कॉल या पुट जो भी खरीदी होगी वो अगर बाजार 500 पॉइंट चल भी गया तो आपके भाव जो है वहीं के वहीं खड़े हैं, तो कुछ भी एक्स्ट्रा जो है मिल नहीं रहा है। और दोनों पुट और कॉल्स के जो बायर्स हैं दोनों को ही काफ़ी बुरा झटका जो है लग रहा है। इसके अलावा देखिएगा 12-5 की जो पुट कॉल रेशियो यानी कि जो परसों की, तो आप ये देखिएगा उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी बहुत ज़्यादा सेलिंग होती हो या बाइंग। तो ऑप्शंस के जो डेटा हैं वो भी यही बता रहे हैं कि डायरेक्शन लेस ट्रेड है। तो आज हमने किसी पर्टिकुलर शेयर का एनालिसिस नहीं किया, लेकिन आज आपके साथ एक चीज़ आपको चर्चा में हम लेते हैं। तो आज नॉलेज के लिए हम एक चीज़ की चर्चा करेंगे जिस रेशो को आप बहुत बार सुनते हैं, PE रेशो। देखिएगा PE रेशो वास्तव में एक बिजनेस के अंदर प्राइस अर्निंग रेशो इसको पूरा बोलते हैं, प्राइस और अर्निंग, यानी कि किसी शेयर का भाव मान लीजिएगा 100 रुपये है और उसकी अर्निंग्स EPS 10 रुपये है, तो इसका मतलब अगर इसको 10 से भाग कर दें तो ये 10 टाइम्स है।
और अगर मान लीजिएगा एक शेयर दूसरा 100 रुपये का चल रहा है और उसकी EPS 5 रुपये है तो वो 20 टाइम्स है। तो जनरली ये जो PE रेशियोज होती हैं ये हर सेक्टर में अलग अलग तरीके की होती हैं। जो साइक्लिकल बिजनेस है उनमें लो PE रेशियोज होती हैं जनरली। साइक्लिकल मतलब है जो कि जो कुछ समय तो बहुत अच्छा करते हैं और कुछ समय वो ख़राब करते हैं, जैसे स्टील और शुगर सेक्टर अभी दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं क्योंकि इनकी साइकिल अप ट्रेंड में है, लेकिन फिर भी इनकी PE रेशियोज ऐसी नहीं होंगी जो डिफेंसिव शेयर्स की होती हैं, जैसे FMCG के शेयर्स हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ITC, HUL जैसे। तो ऐसी कंपनीज की जो PE रेशियोज होती है वो हमेशा ज़्यादा होगी, 50-60। लेकिन स्टील जो है या शुगर्स जैसी जो कंपनियां हैं, केमिकल जो कंपनीज हैं, उनकी PE रेशियोज आपको मिलेगी 10-12-15। क्यों मिलेगी? क्योंकि ऐसे बिजनेस में रिस्क ज़्यादा होते हैं। तो PE रेशियोज जनरली उन कंपनीज की अच्छी होती हैं जो कि डिफेंसिव हैं, जैसे कि फार्मा हो गया, आज की डेट में IT भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा फार्मा, IT, FMCG, इस तरीके के जो शेयर्स हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इस तरीके के जो शेयर्स होते हैं उन कंपनीज के अंदर PE रेशियोज ज़्यादा होती है, और जिन कंपनीज में रिस्क ज़्यादा होता है उनमें PE रेशियो कम होती है। PE रेशियो कम होने का मतलब है कि शेयर होल्डर्स की कमाई तो ज़्यादा होगी लेकिन साथ में रिस्क भी ज़्यादा ले रहा है, इसीलिए ऐसे शेयर्स में PE रेशियो कम दी जाती है। दूसरा होता है साइज ऑफ द कंपनी। सेम सेक्टर के अंदर अगर बड़े साइज की कंपनीज होती हैं तो उनकी PE रेशियोज ज़्यादा होती हैं। जैसे सीमेंट शेयर्स के अंदर ही आप देखिएगा, अगर अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करेंगे तो उसकी PE रेशियो ज़्यादा मिलेगी। अगर आप उसको कंपेयर करेंगे बिरला सीमेंट से या JK लक्ष्मी सीमेंट से या हाइडलबर्ग सीमेंट से, क्योंकि वो साइज में छोटी कंपनियां हैं। तो छोटी कंपनीज की PE रेशियो सेम सेगमेंट के अंदर भी, सेम सेक्टर के अंदर भी कम होती है, और जिनकी बड़ी कंपनीज होती हैं उनकी ज़्यादा होती है। जिन कंपनीज में ग्रोथ की संभावना ज़्यादा होती है, मान लीजिए अल्ट्राटेक सीमेंट हर साल जो है 2 प्लांट लगा देता है या अपनी एक्सपेंशन कर लेता है, तो वहाँ पर PE रेशियोज थोड़ी ज़्यादा होंगी, और जहाँ पर ग्रोथ कम होती है वहाँ पर PE रेशियोज कम होती हैं। जो कंपनियाँ कॉन्स्टेंट अर्निंग कर रही होती हैं, एक जैसा कमा रही होती हैं, वहाँ पर PE रेशियोज कम होती हैं, और जो कंपनी साल दर साल अपने विस्तार कर रही होती हैं और अगले साल में प्रॉफिट या सेल्स बढ़ती हुई नज़र आती है या कैश फ्लोज बढ़ते हुए नज़र आते हैं, उन कंपनीज के अंदर PE रेशियोज ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा इंडिया के अंदर मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वहाँ पे कॉरपोरेट गवर्नेंस अच्छी होती है ऐसा माना जाता है। तो जिन कंपनीज में कॉरपोरेट गवर्नेंस अच्छी है, जिसको किसी बिजनेस हाउस के द्वारा चलाया जा रहा है या इंडिया के अंदर ही कोई बिजनेस हाउस उसको रन करता है, ओन करता है, तो ऐसे बिजनेस के अंदर PE रेशियोज हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया में जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनकी PE रेशियोज ज़्यादा होती हैं। और जो कंपनियाँ डोमेस्टिक हैं, जो किसी पर्टिकुलर ग्रुप से या किसी बिजनेस हाउस से जो है डायरेक्टली कोरिलेट नहीं होती हैं, बल्कि एक ग्रुप ही, एक ही कंपनी होती है उनकी या दो कंपनियाँ होती हैं, तो ऐसे सेगमेंट के अंदर जो है PE रेशियोज कम होती हैं। जिन कंपनीज के प्रमोटर का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया होता है उन कंपनीज की PE रेशियो बहुत बढ़िया होती है, यानी कि जहाँ पे मैनेजमेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। जैसे आप गोदरेज के अंदर देखेंगे तो गोदरेज की जो कंपनीज हैं बेशक से कम भी कमाएंगी तो उनको PE रेशियोज अच्छी मिलती है। गोदरेज की जितनी भी कंपनीज हैं, आप जब गोदरेज एग्रोवेट बात करिए, गोदरेज इंडस्ट्रीज़ की बात करिए, गोदरेज CP की बात करिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की बात करिए, तो ये कंपनियाँ अपने सेगमेंट में हाई PE रेशियो डिजर्व करती हैं, क्योंकि इन कंपनीज के अंदर क्वालिटी जो है मैनेजमेंट की वो अच्छी मानी जाती है, और जो प्रमोटर्स है उसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसी तरीके से आप देखिएगा TCS, इन्फोसिस की PE रेशियोज आपको काफ़ी अच्छी मिलेंगी। तो जहाँ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस या जो बिजनेस हाउसेज हैं वहाँ पर PE रेशियोज ज़्यादा मिलती हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जहाँ पर कि हाई PE रेशियोज या लो PE रेशियोज जो कंपनियाँ डिजर्व करती हैं। ये आज का एजुकेशनल पर्पज के लिए मैंने आपको PE रेशियोज का एजुकेशन दी। ये जो लास्ट का पोर्शन था, आपको ये कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे बताइएगा। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।